हाय एवरीवन, ये है एल्डर मेंथेरा जॉय वीड या रेड हॉट का प्लांट। वैसे मैंने ये नाम जो है गूगल सर्च किया है और इसका मदर प्लांट है ये। और ये देखिए, इसमें ये मदर प्लांट कैसा नीचे से ख़राब ख़राब सा दिख रहा है, लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर लगता था पहले ऐसा ही। तो मैंने इसकी कटिंग लगा ली इसको बढ़ाने के लिए, और जैसे ही मुझे आभास हुआ ना ये ख़राब होने लग रहा है तो मैंने और भी कटिंग लगा ली। जैसे ये भी कटिंग से तैयार है और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कब तैयार किया था। ये देखिए, पहले की वीडियो मैंने शूट की हुई है, टच हुआ ज़मीन में, तो यहाँ ये देखिए रूट्स आ गई हैं इसमें। और इसी तरह से मैंने और भी कटिंग्स लगा ली। प्लांटर बना, कितना सुंदर सा प्लांटर भी है और इसके अंदर ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और भी कटिंग आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग लगाई हुई है। तो अब इन कटिंग को भी मैं सोच रही हूँ यहाँ से निकाल कर उस प्लांटर में एक और नया प्लांटर तैयार करती हूँ और उसमें लगाती हूँ। और इनको निकालना भी बड़ा आसान है। ऐसे देखिए कितनी अच्छे से रूट्स आ गई हैं, और कोई डर नहीं है, प्लांट लग ही जाता है। मैंने कई बार ट्राई कर लिया, बहुत डेलिकेट मेथड से भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। विद रूट मैंने इसको निकाला है, ये कटिंग ही लगाई हुई है मेरी। अभी एक नन्ही सी कटिंग मैंने यहाँ छोड़ भी दी। इसकी मैं बिल्कुल अच्छे से ट्रिमिंग कर दूँगी, बच गया तो ठीक, वरना ये काफ़ी बुरी हालत में दिख रहा है मुझे। इसमें कोई डिजीज़ भी हो गई है, तो मैं इसकी ऊपर ऊपर से अच्छी अच्छी सारी स्टेम्स कट कर लूँगी और उनको लगा लूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ से ये कट की, ऐसे सिंपली तोड़ लें, नीचे के सारे पत्ते हटा दें, बहुत ही बिना ताम झाम के बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है इसकी। और ये मैंने प्लांटर तैयार कर लिया है ऐसा। ये भी प्लांटर काफ़ी खूबसूरत है, और इसके अंदर हम करेंगे हॉल, बहुत सारे हॉल कर लेते हैं पहले हम। मैं इतनी सारी कटिंग लगाने वाली हूँ, इसको जस्ट लिया और मिट्टी में रोप दिया और ये कटिंग ही लग जाएगी। ये जो मैं वहाँ से निकाल के लाई हूँ इसको मैं सेंटर में लगा देती हूँ, क्योंकि ये पहले से जब सबसे पहले यही ग्रो करेगी, क्योंकि इसमें रूट्स हैं हमारी। ये दूसरी जो मैंने कटिंग निकाली थी, ये है मदर प्लांट, इसकी मुझे ट्रिमिंग करनी ही थी, तो इसमें से मैंने अच्छी अच्छी बहुत सारी कटिंग्स निकाल ये सारी मैंने कटिंग्स निकाल ली और मैं वन बाई वन, और सबके नीचे के मैंने पत्ते जो हैं साफ़ कर लिए। वन बाई वन अब मैं इसमें लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरह से नीचे के पत्ते साफ़ कर लिए और जस्ट इस हॉल के अंदर इसको लगा दिया और मिट्टी को दबा दिया। ये एक और कटिंग है फ्रेश वाले प्लांट की, और पीछे से म्यूज़िक सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई पक्षी जैसे मेरी वीडियो के लिए ही म्यूज़िक दे रहा हो। तो सारी कटिंग्स लग कर तैयार हैं, और ये पहले वाला प्लांट और कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं एक बार मदर प्लांट की पूरी अच्छे से ट्रिमिंग कर देती हूँ, और ये ध्यान रखना है कि जिस सीज़र से हम ट्रिमिंग कर रहे हैं फिर इस सीज़र को साफ़ कर लें, क्योंकि मुझे इस प्लांट में थोड़ी डिजीज़ लग रही है। इसमें मैं एक बार फंजीसाइड के वाटर का स्प्रे भी करूँगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है अपनी वीडियो को एंजॉय किया, और ये प्लांट बड़ा ही अच्छा है, और देखो एक से कितने सारे बन गए, और एक मेरे इंडोर भी रखा है, तो बहुत अच्छा प्लांट है, इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और खूबसूरती के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन, कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।